नक्शा बंगाल का है और चेहरे दो अहम, ममता बनर्जी और जेपी नड्डा। और बात सत्ता के सेमीफाइनल की, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले निकाय चुनाव सभी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल निकाय चुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तर्ज पर ही बीजेपी ने दीदी के खिलाफ निकाय चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ होगी ये रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के रण से पहले निकाय चुनावों की सियासी लड़ाई भी लड़ी जानी है। आगामी निकाय चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के विरोध के साथ विकास को भी हथियार बनाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सभी वार्डों में तृणमूल कांग्रेस के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने को कहा गया है और पार्टी की ओर से इसका प्रचार भी किया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की नाकामियों को अपना हथियार बनाने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी निकाय चुनाव में हिंदुत्व ही बीजेपी का अमोघ अस्त्र बनेगा। हालांकि बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल दूसरे राज्यों से थोड़ा इतर करने जा रही है। इसके तहत बीजेपी नेता लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी हिंदू विरोधी हैं। एक तरह से तृणमूल सुप्रीमो के हिंदू विरोधी कार्यकलापों को आम जनता के सामने रखा जाएगा। दरअसल बीजेपी ने और नहीं अन्याय अभियान शिकायत पत्र में मुख्य रूप से ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी और मुसलमानों की हिमायती बताया है। तृणमूल कांग्रेस के अभियान दीदी के बोलों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतर आई है। इस अभियान में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 10 सूत्रीय आरोप पत्र तैयार किया है। इसके एक बड़े हिस्से में कहा गया है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं और मुस्लिमों के प्रति उनका कितना प्रेम है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी नीतियां और मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बताते चलें कि तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की विफलता को दूर करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था। उन्होंने जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सर्वेक्षण पर जोर दिया। PK अपनी रणनीति के तहत पीपल इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे थे। बीजेपी भी इस बार वही रास्ता अपना रही है। बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में सर्वे किया। बीजेपी ये समझने की कोशिश कर रही है कि जनता आखिर चाहती क्या है। दरअसल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के रास्ते पर ही चल पड़ी है। जनता जो चाहती है पार्टी उसी रास्ते पर चलेगी। पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक ही सियासत की पोटली से मुद्दों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की कोशिश CAA या NRC पर फोकस ना कर तृणमूल की नाकामियों को उजागर करने पर होगा। और पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जिन वादों को पूरा करने में फेल रही उन सभी को मतदाताओं के सामने पेश करेगी। बीजेपी नेता लोगों से उनके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन समस्याओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आम लोग ग्रस्त हैं। बीजेपी अपने अभियान में लोगों के मुद्दों की जानकारी हासिल कर रही है और अब तक मिले रिस्पांस के मुताबिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC के मुद्दे के जरिए हिंदुत्व का दांव बीजेपी बंगाल के निकाय चुनाव में भी चल सकती है। टीम राजनीति।